नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। आज हम बात करेंगे कि कम से कम समय में खेत में सिंचाई कैसे की जाए, यानी पानी की बचत का तरीका क्या है। दूसरा, जो तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी कुल लागत कितनी आएगी और उसमें अनुदान कितना रहेगा, और उसका जो टोटल उसको स्थापित करने का जो तरीका है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिन ब दिन पानी की कमी होती जा रही है, तो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जिससे हमें पानी की बचत हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी का अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकें ताकि हमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई कैसे की जाती है। अगर हम यहाँ बात करें तो स्प्रिंकलर की जो कीमत रहती है वह लगभग 21,000 के आसपास रहती है। वो थोड़ा क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कहीं इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है और कहीं थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो जैसा स्प्रिंकलर की क्वालिटी रहेगी उस हिसाब से उसके कीमत रहेंगे। फिर भी आप मान के चलें कि लगभग 21,000 के आजू बाजू रहेगा, या थोड़ा ऊंचा या थोड़ा नीचा। तो इसमें जो टोटल पाइप आएंगे वो 30 पाइप आएंगे और काले रंग के पाइप रहते हैं, और इन पाइपों की जो लंबाई रहती है वो एक पाइप की लंबाई रहती है 20 फुट। इस तरह अगर आपको 30 पाइप मिलते हैं तो लगभग आपको 600 फुट के पाइप मिलेंगे जहां से आप पानी को एक जगह से या सोर्स से आपके खेत तक आप पानी को ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें अनुदान कितना मिलना है, तो आप लगभग 50% के आसपास इसमें मान के चले कि आपको अनुदान मिलेगा, यानी कि इसकी जो कीमत जाएगी फिर वो लगभग 10,500 या 11,000 के आसपास आएगी। तो किसान को जो कीमत रहेगी इसकी अनुदान हटाने के बाद लगभग 10,500 रुपए रहेगी। और 30 पाइप के साथ इसमें 5 स्प्रिंकलर आते हैं, तो उन स्प्रिंकलरों को आप अपने खेत में लगा के और आप सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर के द्वारा बहुत सारी फसलों में सिंचाई की जा सकती है, जैसे गेहूं की शुरुआती स्टेज रहती है या और भी जो छोटे कद की जो फसल रहती है उनमें आप बड़ी ही आसानी से स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। इसमें आपके पानी की मात्रा भी कम लगेगी और चूंकि इसमें वर्षा के समान सिंचाई होती है तो पेड़ों पे जो प्रभाव आता है वो बहुत अच्छा आता है और उनकी बढ़वार वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से किसान भाई स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर में अनुदान का लाभ लेने के लिए आपको अपने जिले में या अपने तहसील प्लेस पे कृषि विभाग में जाना पड़ेगा, वहाँ आप जाके संपर्क करेंगे तो आपको अनुदान मिल जाएगा, उनके माध्यम से आप स्प्रिंकलर खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिजिटल खेती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।